दोस्तों, आज हम व्रत में खा सके ऐसी दो अलग तरह की चिप्स बनाएंगे। व्रत का ही क्यों, और एनी टाइम बच्चों की ये फेवरेट होती है चिप्स, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। और दो अलग अलग फ्लेवर में बनाएंगे तो बच्चे भी खुश और हम घर पर भी खुश हो जाते, क्योंकि हमने जो घर पर बनाया है तो अच्छी क्वालिटी का तेल होगा और अच्छी क्वालिटी के हम आलू भी यूज करते हैं। और यकीन मानिए, इतना फटाफट बन जाती है ना कि जैसे कि एकदम बच्चों का काम हो ना, ऐसे ही आपको लगेगा। ना धूप में सुखाने की झंझट, ना कोई मशीन की झंझट। फिर भी इसे ना हम बनाकर बहुत लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, और इसमें हम अलग अलग तरह के फ्लेवर्स भी यूज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की ओर, देख लेते हैं सारी सामग्री। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर ऐसे जो लाल कलर के जो आलू आते हैं ना, वो लिया है। आपको ये जहाँ पर हम सब्जियाँ लेते हैं ना, वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो आलू होते हैं ना, थोड़े से कड़क ज़्यादा होते हैं। मतलब कि ये हमें ना चिप्स बनाने के लिए बहुत ही एकदम परफेक्ट ये आलू है, और इसके हमें ना छिलके हटा देंगे। आप चाहे तो इसके छिलके भी रख सकते हो, पर इसका बेनिफिट ये है कि हम इसके छिलके हटा देते हैं ना, फिर भी ये आलू है ना जल्दी से काले नहीं पड़ते हैं। आप इसे अगर ऐसे ही नॉर्मल बिना पानी के भी रखोगे ना, तो भी ये आलू जो है वो काले नहीं पड़ेंगे। तो अभी हमने ना आलू को तो छिलके रख लिया, पर अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी चिप्स बनाने वाला हो ना, उस पे हम इस तरह से स्लाइस करते जाएंगे। आप यहाँ पर थोड़ी सी पतले भी रख सकते हो और मीडियम भी रख सकते हो, पर हमें ज़्यादा मोटे सिर्फ नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा अगर मोटे रखेंगे ना तो चिप्स जो है हमारी जो एकदम क्रिस्पी चाहिए ना, वैसी नहीं बनती है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने ना पानी में सिर्फ ऐसे गोल गोल चिप्स को ही निकाल लिया है, और एक साइड हमने ना तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गरम होते ही हमें ना हमारी एक एक करके ये चिप्स को गरम तेल में डालते जाएंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखना है, हमें यहाँ पर स्लो या मीडियम नहीं रखना है। हम है ना इसको दोनों साइड उलट पुलट करके अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये जो पतली चिप्स है ना, तो उसे तलने के लिए भी बिल्कुल समय नहीं लगता है। और अभी है ना हमारे चिप्स जो जब तक जैसे कि 70% तक डीप फ्राई हो जाएंगे ना, तब हमने ना व्रत में खाने के लिए बनाया, तो हमने यहाँ पर सिर्फ पानी के कुछ छींटे डाले हैं, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा और मॉइस्चर जाएगा ना, तो ये तेल में जाते ही जल्दी से ये क्रिस्पी बन जाएंगे। तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपकी जो चिप्स होती है ना, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखा ना, एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल हमारी चिप्स तैयार है। अभी फिर से हम सेकंड बैच भी डाल देते हैं हमारे तेल में। तो यहाँ पर मैं एक एक करके ही चिप्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी पानी वाली है ना, तो थोड़ा सा छींटे भी उड़ते हैं। और दोनों साइड हम उलट पुलट करके अच्छे से तल लेंगे, और आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड है ना तल रहे। तो अभी यहाँ पर हमने ना थोड़ा नमक वाला बनाया, तो इसके लिए मैंने है ना जैसे एक बैच में मुझे ना एक चुटकी भर नमक चाहिए और थोड़ा सा एक चम्मच के जितना पानी चाहिए, तो नमक वाला पानी भी इसके ऊपर ऐड कर दिया। मतलब कि एक चिप्स जो है हमने बिना नमक की रखी है, और एक जो है नमक वाली रखी है, और एकदम क्रिस्पी भी है। आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट ये हमारी चिप्स बनी है। मैंने जो आपके साथ टोमेटो पाउडर की रेसिपी शेयर की थी ना, वही टोमेटो पाउडर हमने जो बिना नमक वाली बनाई है ना, तो उसके ऊपर ऐड कर देंगे, ताकि इसमें है ना थोड़ा सा टोमेटो फ्लेवर भी मिल जाएगा। और आप चाहे तो इसमें अपना जो ऑनियन गार्लिक है वो फ्लेवर भी ऐड कर सकते हो, पर हमने यहाँ पर व्रत के लिए बनाया है तो सिर्फ एक नमक वाली और एक में जो है टोमेटो फ्लेवर ऐड कर दिया है। और यकीन मानिए, इसे अगर आप खुद भी टेस्ट करोगे ना, तो आप ये चिप्स के दीवाने हो जाओगे। और यकीन मानिए, मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी, सस्ती और टेस्टी भी है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ।